हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आप कभी भी मैच नहीं हारेंगे। एक दो ट्रिक आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप नहीं हारिएगा, ठीक है। जो भी आपका मनी है वो बैकअप में आ जाएगा। आप जीत भी सकते हैं लेकिन हारिएगा बहुत ही, मतलब 99% रहेगा कि आप जीत ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कि आप देख सकते हैं कि अभी जो मैच होने वाला गुजरात वर्सेस दिल्ली, तो आज संडे है तो मैच होने वाला ये अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच, ठीक है। तो इसी के बीच में आपको टीम बनाकर अब बेहतर तरीके से समझाऊंगा कैसे आप ही जीत सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं। हमने ऑलरेडी दो टीम बनाकर रखा है तो हम क्रिएट टीम पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इससे कि आपको बताया होगा कि आपको मेन होता है कि अगर आप कोई प्लेयर उतरता है तो हमेशा वो कौन उतरता है, ठीक है। तो अब बैट्समैन जो होता है उन्हीं को आपको लेना होता है, ठीक है, क्योंकि ओपनर जो उतरते हैं ओपनर को ही आपको लेना होता है, ताकि ओपनर हमेशा उतरेंगे और वो कुछ ना कुछ रन बना के ही जाएंगे, नहीं तो अगर जरूर पर आउट होंगे तो उनका भाग खराब है, ठीक है। तो जैसा कि ये हो गए गुजरात तरफ से कैप्टन है, ये शुरुआती में उतरते हैं तो इनको आपको लेना है, ठीक है। और बैट्समैन में जैसे कि आप शेफाली वर्मा मैगलानी, जो कि पार्टनर जिनका पार्टनरशिप अच्छा चलता है, ये दोनों मिलकर ही जिता दिए थे मैच पिछला, आपको पता होगा। तो ये दोनों को ले लेना है, क्योंकि जो भी बैट्समैन उतरते हैं मतलब कि शुरुआती में, ठीक है, तो उनको आपको जरूर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर को आपको ज़्यादा प्रीफर करना है, ठीक है। ऑलराउंडर को आपको ज़्यादा लेना है क्योंकि अगर ऑलराउंडर दो तरह का काम कर सकता है, जैसे कि आपको पता होगा बैट्समैन भी का काम भी और बॉल का भी काम कर सकता है। तो आपको इनको ज़्यादा आपको लेना होता है, ठीक, ज़्यादा संख्या में। तो हम यहाँ पर देखिए ज़्यादा संख्या में इनको ले रहे हैं जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। सदरलैंड का उनका परफॉर्मेंस है नहीं, ठीक है, उतना तो ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको उसी को लेना है। और बॉलर में उन्हीं को लेना है जो कि लगातार विकेट लेते आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं को आपको लेने से राधा यादव काफ़ी अच्छा इन्हें विकेट इधर से लेते आ रहे हैं। शिखा पांडे भी काफ़ी अच्छे लेते आ रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली सर एक और रेड्डी हैं, ये रेड्डी करके नाम है, उनको ले लेना है। और ये कनवर हैं जो कि गुजरात तरफ से खेलते हैं, तो इन्हों को आपको लेना है, ठीक है। लगातार जो विकेट ले रहे हैं तो उन्हीं को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और पिच के हिसाब से आप लोग बनाइएगा, क्योंकि किस मैच में किस प्रकार से बॉल आता है या स्पिन है या फास्ट है, ठीक है, तो उस प्रकार से भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। मेन होता है कि आपको ऑलराउंडर को, सॉरी, आपको जो ओपनर होते हैं उन्हीं को आपको सेलेक्ट करना होता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑलराउंडर होता है। और मेन एक और बताया दिए थे कि जो कैप्टन आप बनाइएगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर को ही प्रीफर करना है, ऑलराउंडर को ही प्रीफर करना है, और वाइस कैप्टन भी, ठीक है। तो आप इसमें हारने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कैप्सी हो गए, तो कैप्सी ऑलराउंडर है और बैट्समैन का भी काम करते हैं और काफ़ी अच्छा बॉलिंग भी करते हैं, तो इनको बहुत ही अच्छा लेना है। कैप्टन में आप, हम लोग कैप को लेंगे और वाइस कैप्टन में या कैप्सी को ले सकते हैं या जॉनसन को। तो हम यहाँ पर गार्डनर को प्रीफर करेंगे, गार्डनर, या आप शेफाली वर्मा को ले सकते हैं या मैगलिन को। तो हम यहाँ पर शेफाली वर्मा को ही लेंगे कैप्टन में, वाइस कैप्टन में, कैप्टन में हम कैप को लिए हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ये कम्बिनेशन रहेगा यहाँ पर अगर आप जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो मेन आपको यही प्रीफर करना है कि जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा, या आपको ओपनर को बना देना है, या आप जो भी बनाइएगा इसमें से आपको ऑलराउंडर को ही बनाना है, ठीक है। बाकी बात आपको पता होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।